आपके यहाँ पे पानी कितने दिन पहले खत्म हो गया यहाँ खेतों का? ये तो हो गया जी लगभग 30 साल के लगभग, 25 साल के लगभग हो गया। अच्छा, 25 साल पहले यहाँ पे पानी खत्म हो चुका है। आप देख लेंगे यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है और बिना पानी के इन्होंने यहाँ पे चंदन लगाया है, टैंकर इन्होंने बनवा रखा है। स्थान है ये चमरा और जिला है झुंझुनू। देख लेंगे, ये बात करवा दी तो बात, एक मिनट ही बात उनसे बात करूं। तो ये भीड़ वाला खाद क्या रेट मिलता है? ये तो ऐसे 500 रुपये लिए उसने। कितना होगा लगभग? 7-8 क्विंटल। 7-8 क्विंटल के आसपास होगा, लेकिन है गला हुआ ये? हाँ ये गला हुआ है एकदम से। जी जी, ये सहजन का पेड़ खड़ा है ना? तो ये तो बाबूजी काफी पुराना होगा सहजन का पेड़। पुराना है बहुत। अच्छा, लगभग कितने साल का होगा? 15-20 साल का है। 15-20 साल। जी जी, बाबूजी आपके यहाँ पे पानी कितने दिन पहले खत्म हो गया यहाँ खेतों का? ये तो हो गया जी लगभग 30 साल के लगभग, 25 साल के लगभग हो गए। अच्छा, 25 साल पहले यहाँ पे पानी खत्म हो चुका है। अब जो भी सिंचाई की व्यवस्था है वो केवल बारिश पर आधारित फसलें होती हैं। हाँ, बारिश पर। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? नहीं। या फिर जैसे आपने ये पौधे लगा रखे हैं तो टैंकर बनवाया, इस टैंकर से आप पानी दे रहे हैं ड्रिप लगा करके? जी जी, काफी प्रयास किया आपने। हाँ, मेहनत की आपने, क्योंकि सेठ जी तो वहीं रहते हैं लुधियाना। हाँ वो तो वहीं रहते हैं, वे वहीं पे रहते हैं और ये सारी व्यवस्था आपने देखी है। देख लेंगे, मुझे भी चलो एक घर मिल गया, मैं भी इसके बहाने हर रोज आ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, आप खेत में आ जाते हैं? जी जी, मैं सुबह और शाम दो टाइम जरूर आता हूँ। जी जी, आप ही की मेहनत। कितनी एज हो गई होगी आपकी? 71 है। 71 एज, और 71 की एज में आपने ये कर दिखाया, ये सारी मेहनत, सारा श्रेय आपको ही जाता है जी। इसका जो भी श्रेय जाएगा आप ही को जाएगा। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, आपकी मेहनत है ये। अगर आप भी प्लांटेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। 70-17-43-55-97 एक दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है। (75) 70-28-88 आप संपर्क कर सकते हैं। ये इसके साथ कैजरीना लगा हुआ है, ये चंदन है, देख लेंगे। और इसमें इन्होंने, बाबूजी ने अभी खाद मिलाया है एक साइड, ये इसमें थोड़ा सा एक तरफ से गड्ढा बना करके इन्होंने इसमें खाद लगाया है। और ये जो इसके बीच में खरपतवार खड़ा है, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिस समय गर्मी आएगी तो इसको ये हीटिंग कम देगा। देख लेंगे आप, ये रोड चल रहा है, पेड़ों की स्थिति, बहुत मेहनत इन्होंने की है, इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि पेड़ बेहतर और अच्छे हैं।